स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल सिंगाड़े की बर्फी बनाने। तो यहाँ पर हमने सिंगाड़े के आटे को 4 चम्मच घी डाल के इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम अपने सिंगाड़े के आटे को कढ़ाई में डाल देंगे। और हमने यहाँ पर ये गैस को स्टार्ट नहीं किया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसे चलाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और पानी डालेंगे। हमने इसे मिला लिया है और ये अभी हमारा ठीक यानी गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। अब देखिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है, तब अपने गैस को स्टार्ट करेंगे। अब इसे चलाते हुए हम पका लेंगे। देखिए ये हमारा ठीक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। और इसमें चीनी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने डाल लिया है, इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप चाहे तो इसे ऊपर से भी डाल सकते हैं और अंदर से भी डाल सकते हैं, मगर हम दोनों तरफ से डालेंगे, अंदर से भी और ऊपर से भी, इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सिंगाड़े के आटे का बर्फी रेडी हो गया है। तो अपने गैस को बंद कर देंगे और एक थाली में अपने 1 चम्मच और घी लिया है, जिसको हम ग्रीस कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से घी को लगा लिया है। अब इसी थाली में अपना बर्फी जमाएंगे और अपना इसी तरह अपना सारा निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम अपना ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये हमने अपना सारा ड्राई फ्रूट डाल लिया है। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से दबा देंगे कि ये पूरा इसके अंदर चिपक जाए। अब हमने इसे कर लिया है। अब इसे हम 2 से 3 घंटे तक सेट होने देंगे। हो चुका है, अब इसे हम कट करेंगे। देखिए हमने इसे कट कर लिया है और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इस तरीके से जरूर बनाए खाएँ। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय।